thank you हेलो एवरी तो आज की वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं आई एम कोलकाता के बारे में जो कि नंबर वन प्राइवेट कॉलेज इन वेस्ट बंगाल है ठीक है और लास्ट ईयर तक तो यहाँ पर जो एडमिशन मोड था वो सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू बी जी आई जेई और साथ ही साथ आपका मैनेजमेंट कोटा के थ्रू होता था लेकिन इस ईयर से आ, मतलब लास्ट ईयर से थोड़ा आपका चेंज हो गया है तो उन चीजों के बारे में भी आज की वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है यहाँ पर जितने भी आप लोग मिस्टेक्स करते हो एडमिशन लेने से पहले या फिर काउंसिलिंग के वक्त उन सारे मिस्टेक्स के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं ताकि आपको किसी भी टाइप का मिस्टेक ना करो किसी भी मिस गाइडेंस के कारण आप कोई गलत कॉलेज को ना चूंज कर लो ठीक तो है तो इसलिए आपको ये वीडियो पूरा स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखना जरूरी है ठीक है बच्चों तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ सबसे पहला हम लोग कॉलेज के बारे में जान लेते हैं कि भाई ये कॉलेज क्या है कहाँ है ठीक है और क्यों इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए ठीक है तो चलिए ये जो कॉलेज है वो आपका कोलकाता में स्थित आई ई एम स्टूड फर्स्ट इमंग ऑल द प्राइवेट कॉलेज इन थर्ड इन वेस्ट बंगाल आफ्टर आई आई टी खरगपुर एंड एन आई टी दुर्गापुर इन नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क देखो जो ये आई एम कॉलेज है ये तो, आ, फर्स्ट नंबर में आता है पूरे प्राइवेट कॉलेज में एंड वेस्ट बंगाल के जितने कॉलेज हैं प्राइवेट एंड सरकारी उन सारे को मिलाज कहा जाता है ठीक है आई आई टी खगरपुर एंड एन आई टी दुर्गापुर के बाद किसी का नंबर है आई का जिसका इसका जो एड्रेस है वो आपका सेक्टर वी साल्ट लेक इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स के पास है और ये काफी कॉलेज पुराना कॉलेज है जो कि फाउंडेड हुआ था किसमें नाइन में यहां पर देख रहे हो कॉलेज कैंपस का जो फ्रंट व्यू है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा ठीक है तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि भाई कॉलेज आपका कैसा दिखता है ठीक है और कहा पर स्थिर है ये पूरा कंप्लीट एड्रेस मैंने आपको दे दिया ठीक है अब आगे हम बात करते हैं भाई कि इसका मोड ऑफ एडमिशन क्या क्या है किस तरीके से हम लोग इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं भाई तो देखो मोड ऑफ एडमिशन की अगर हम बात करें तो मेरे टू मोड ऑफ एडमिशन है डब्ल्यू बीजे एंड दूसरा आईएमजे ठीक है तो डब्ल्यू बीजे के थ्रू अब आपका पहले जो था आपका कुछ समय पहले तक यहां पर लास्ट ईयर से पहले तक 2022 तक 2022 तक 80 परसेंट सीट जो था वो आपका डब्ल्यू बीजे के थ्रू था ठीक है 80 परसेंट सीट जो था वो आपका डब्ल्यू बीजे के थ्रू था थ्रू था ठीक है लेकिन लास्ट ईयर टू जीरो जो है वो डब्ल्यू बीजे दे देकर वो सिर्फ और सिर्फ कितना सीट दिया हुआ है भाई तो फिफ्टी परसेंट सीट दिया हुआ है ठीक है और आई को एक नया एग्जाम वो अपने लिए वो कंडक्ट कराना स्टार्ट किया है जिसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ आपको तीन के अंदर एडमिशन मिलता है पहला तो आपका आई के अंदर मिलता है एंड दूसरा आई ग्रुप का ही दो और कॉलेज है जो कि यू ये कोलकाता में एक, एक इसका ब्रांच है और एक दूसरा आपका जयपुर में है ठीक है तो इन दोनों कॉलेज में भी एडमिशन मिलता है इस आई एम जे के थ्रू ठीक है तो ये आपका तीन कॉलेज के अंदर इसके थ्रू एडमिशन मिलता है ओके अब हम बात कर लेते हैं जो आई है उसका जो फिफ्टी परसेंट सीट है ठीक है वो फिफ्टी परसेंट सीट जो है वो आपका किसके थ्रू फिलअप होता है भाई ये जो फिफ्टी परसेंट सीट है ये आपका आई एम के थ्रू फिल होता है ठीक है भाई तो हम बेसिकली आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो ठीक है तो आप या तो डब्ल्यू का एग्जाम फिल, फिल करके ले सकते हो या फिर आप आई जेई के थ्रू ले सकते हो अगर आपसे दोनों ही कंडीशन में अगर आप एडमिशन नहीं ले पाते हो या फिर दोनों ही दोनों ही एग्जाम आप नहीं दे पाते हो फिर आपका थर्ड मोड ऑफ एडमिशन जो है वो है डायरेक्ट एडमिशन दैट इज मैनेजमेंट कोटा, ठीक है डायरेक्ट एडमिशन डायरेक्ट एडमिशन जो कि आपका क्या है भाई मैनेजमेंट कोटा तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू क्या होता है भाई ये वट इज मैनेजमेंट कोटा मैनेजमेंट कोटा क्या है तो मैनेजमेंट कोटा नथिंग बट ये कॉलेज के तरफ से एक ऐसा चीज है कि जो बच्चे एडमिशन लेने लेना चाहते हैं लेकिन उनसे कोई एग्जाम नहीं निकल पाया ठीक है राइट नहीं आ पाया तब उनसे एक्स्ट्रा पैसे लेकर के आपको एडमिशन उस कॉलेज के अंदर दिया जाता है ताकि आप वापस से फिर अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेरेशन कर सको ताकि आगे जाकर के तुम अच्छा कुछ कर सको ठीक है तो अगर आप मैनेजमेंट कोटा में इंटरेस्टेड हो गई तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिलअप कर दो ठीक है आपको हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी एंड जो जो रिक्वायरमेंट होगा ठीक है वो आपको मिल जाएगा ठीक है आपको बता दिया जाएगा और आप उसके थ्रू जाकर के आप एडमिशन ले सकते हो ठीक है भाई चलिए अब हम इतना चीजों पर बात कर लिए मोड ऑफ एडमिशन पे बात कर लिए अबाउट कॉलेज बात कर लिए अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है वो होता है आपका प्लेसमेंट ठीक है तो अब हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर प्लेसमेंट के ऊपर भाई प्लेसमेंट का क्या सीन है ठीक है तो इसके लिए हम लोग चले आते हैं अपने गूगल क्रोन पे ठीक है और यहाँ पर देख सकते हो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर देखो ये चार चीज है ठीक है जिसमें सबसे पहला आपको आई एन जीरो जेई टू जीरो ट्वेंटी फोर के बारे में बात किया गया है ठीक है तो आई एम जेई टू जीरो ट्वेंटी फोर इसका देखो यहाँ पर पूरा एग्जाम का जो शेड्यूल है सब कुछ दिया गया है पहला एग्जाम जो है वो आपका एक मार्च दो हजार चौबीस से तीन मार्च दो हजार चौबीस के बीच में ठीक है और ये है आपका एक मार्च को है तीन मार्च को है चार मार्च को है पांच मार्च को है मतलब ये मार्च के अंदर जब जब एग्जाम है उन सारा डेट दिया हो गया है यहाँ पर उन सारों का रिजल्ट जो है वो डिक्लेरेशन कब होगा भाई तो उन्नीस मार्च को डिक्लेरेशन होगा काउंसलिंग कब होगा भाई तो काउंसलिंग डेट जो है वो आपका बीस इक्कीस एंड बाईस को होने वाला है ठीक है ये पहले स्लॉट की बात कर रहे हैं ठीक है और एग्जाम का स्लॉट जो होगा वो साढ़े नौ से साढ़े ग्यारह होगा एंड दूसरा बारह से दो होगा एंड तीसरा आपका टू थर्टी से लेकर के फोर थर्टी के बीच में होगा ठीक है भाई होगा एग्जाम वेन्यू तो ये आपका देखो कहा थर्टी फोर बाई टू इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स अपोजिट टू नलवान फोर्ड पार्क साल्ट लेक सिटी सेक्टर फाइव के अंदर होगा ठीक है जो कि कोलकाता के अंदर है एंड दूसरा जो आपका स्लॉट है वो आपका सत्ताईस मार्च से लेकर के आ, ये जो डेट है आपका 12 अप्रैल तक का डेट है ठीक है इसका भी टाइमिंग वही है आपका वेन्यू सेम होगा ठीक है और जो आपका जो काउंसलिंग वगैरह होगा वो आपका 16 से लेकर के 18 अप्रैल तक होगा ठीक है भाई और आपको अगर अप्लाई करना है तो यहां पर से लिंक को क्लिक करोगे ठीक है लिंक को जैसे ही क्लिक करोगे भाई क्लिक हेयर तो आपके पास यहां पर, पर यह आई का आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए विंडो ओपन हो जाएगा ठीक है आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करो एंड यहाँ पर से हॉल टिकट डाउनलोड करो एंड उसके बाद जाकर के आप एग्जाम दे सकते हो ठीक है प्रिपरेशन टिप्स की बात करें भाई तो देखो आ, उसके बाद अगर बोल रहे हो कि एग्जाम में का फॉर्म भरने के लिए क्या हमें कोई फी भी पे करना होगा तो नहीं जीरो रुपी फी है यहाँ पर देखो डायरेक्टली लिखा गया देयर इज नो एग्जामिनेशन फी एसोसिएटेड विथ आई एम जी एग्जाम ओके एंड नेक्स्ट बात करते प्रिपरेशन टिप्स का तो प्रिपरेशन टिप्स क्या क्या है भाई तो यहाँ पर जिस प्रकार से आप जेई मे सैंपल क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करते हो ठीक है उसी टाइप का पैटर्न होगा इसमें भी ठीक है एग्जाम वेल एग्जैक्टली लाइक जेई ओके ब्रिटेन एंट्री वालों का किस तरीके से होगा तो स्टूडेंट में प्रिपेयर फ्रॉम द सिंपल क्वेश्चन पेपर ऑफ डब्ल्यू बी डब्लू बी जेई ले ठीक है इसके थ्रू आपका लेटरल एंट्री मिल जाएगा ओके एंड बाकी आपका बीटे बी सी एम सी एम बी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे, है, तो इसको छोड़ रहे हैं ठीक है के बारे तो बात, कर में बात करना था किस चीज के ऊपर भाई तो याद देखो आई एम सी टी ये दूसरा एग्जाम है ये बीटेक के लिए है नहीं ठीक है अब ये बात करते हैं ठीक है कि ये किस तरीके से कितना कॉलेज जो है वो अपलिएटेड है तो देखो बस ये एक मात्र प्राइवेट कॉलेज है जिसको इस बार एन आई आर एफ रैंकिंग मिला तो ये आपका नेक्स्ट कॉलेज है है ठीक है? आगे बात करते हैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग प्लेसमेंट रिकॉर्ड प्लेसमेंट रिकॉर्ड का अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो भाई 2024 लास्ट ईयर मतलब जो ये ईयर आपका 2024 का ठीक है टीसीएस प्राइम सिलेक्टेड स्टूडेंट इतने सारे बच्चे जो है वो टीसीएस के अंदर सिलेक्टेड है ठीक है उसके बाद एमेजॉन के अंदर एट ऑफ आवर स्टूडेंट है इंटर्नशिप एट एमेजॉन फॉलोड बाई विच विल बी रिसीव एट ऑफर ऑफ 32 टू ठीक है कितना का प्लेसमेंट थर्टी टू एल पी, पी ए मिल गया है ठीक है प्री प्लेसमेंट पीपीओ मिल गया प्री प्लेसमेंट ऑफर जो की बच्चे में जो बच्चे इंटर्नशिप किए थे एच डी एमेजॉन के अंदर ठीक है उनमें तो से एक स्टूडेंट को यह ऑफर मिल चुका है ठीक है तो सोचो ये लास्ट ईयर का मतलब यहाँ इतना हाफ भी अगर कर दिया जाए तो वो हाईएस्ट पैकेज होता है बाकी सारे कॉलेज का वेस्ट बंगाल के अंदर जितना भी कॉलेज है उस पर सबसे हाइएस्ट अगर किसी का पैकेज है तो वो आपका आई के अंदर है ओके नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे और भी कंपनी है इन्फोसिस हो गया है ठीक है उसके बाद देखो ये दो हजार किसका हम लोग चौबीस का बात किए दो हजार तेईस का बात करते हैं भाई तो देखो कौन कौन सा कंपनी कंपनी और ओर इन्फोसिस इन्फोसिस एसई इनिस एस पी और उसके बाद आपका टीसीएस डिजिटल टीसीएस निंजा ठीक है और देखो यहाँ पर ग्रेट एनालिटिक्स मतलब बहुत सारा कंपनी अच्छी अच्छी कंपनी यहाँ पर विजिट करती है इस तरीके से आप चाहो तो पूरा प्लेसमेंट रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो पूरे लास्ट ईयर का ठीक है लास्ट तीन चार साल का आप पूरा देख सकते हो ठीक है और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2023-2024 में 2022 में भी आया था सारा कंपनी गूगल ऑफ कैंपस पर क्लिय करके गया है ठीक है फिर यहाँ पर एडोबी आया था और एक्ल आया था उसके बाद इन्फोसिस आया था टी सी एस आया था एथेंचर आया पी डब्ल्यू सी आया विप्रो आया कॉग्निजियन आया मतलब यहाँ पर कंपनी की तो आ, मतलब अच्छी अच्छी कंपनी की आ, मत बोलो कि यहाँ पर कोई कंपनी मतलब कहीं होगा ठीक है यहाँ पर तो जितने भी कॉलेजेज है वेस्ट बंगाल के अंदर उसमें सबसे बेस्ट जो आपका प्लेसमेंट रिपोर्ट रहा है वो आई एम का रहा है तो ये कॉलेज आपके लिए बहुत ही बेटर होगा ठीक है तो सारे बच्चे जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो या तो फॉर्म को फिल कर दो ठीक है अगर आप में कैपेबिलिटी है कि की निकाल सकते हो तो फॉर्म को जरूर फिलअप करो और अगर लगता है कि नहीं आपसे निकल पाएगा तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल करो ठीक है वहां से आपको डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट पोर्टल के थ्रू आपको एडमिशन लेने के लिए आपको हेल्प किया जाएगा या वेस्ट बंगाल के अंदर तो हम लोग बात करिए नंबर वन प्राइवेट कॉलेज जो कि था आपका आई लेकिन अगर आप वेस्ट बंगाल से बाहर अगर आप कोई कॉलेजेस को देखना चाहते हो ठीक है तो एक और आपसे नेक अप्रूव्ड कॉलेज आपके लिए ले करके आया हुए हैं जिसका नाम है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एल ठीक है और अगर इसके अंदर यहाँ का अगर ब्रांच की बात करें तो सबसे बेस्ट ब्रांच जो है आपका बी का सी ठीक है तो अगर आप इसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस के लिए यहाँ पर देख सकते हो नेश्ट करके एक एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाता है जिसके थ्रू आपको कुछ आ, परसेंटेज का आपको क्या मिलता है भाई आ, तो स्कॉलरशिप मिल जाता है ठीक है कई सारे बच्चे 90 परसेंट तक भी स्कॉलरशिप यहाँ से गेन करते हैं भाई तो अगर आप इस कॉलेज के अंदर एंट्री लेना चाहते हो एडमिशन लेना चाहते हो तो यहां से आना है आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है आपका यहाँ पर पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है एंड देन लॉग इन करना है और उसके बाद एलपीओ नेक्स्ट का जो एग्जाम है उसके लिए आपको रजिस्टर कर लेना है ठीक है भाई और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ की कैंपस लाइफ का भाई तो कैंपस लाइफ के ऊपर यहाँ पर देख सकते हो भाई कैंपस ये देखो यहाँ से देखो कौन कौन से आ, मतलब जो भी यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही बेटर है ठीक है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो ये देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपका विंडो ओपन हो रहा है तो देखो यहाँ पर ये यह देखो सारा कुछ क्लासरूम्स देखो कितने हाइब्रिड क्लासरूम्स है आई लैब है गूगल लैब है एंड आपका वायर्ड रूम है उसके बाद एकेडमिक ब्लॉक्स है ठीक है काफी बड़ा कॉलेज है आपका ठीक है और हर तरीके का यहाँ पर लैब है फाइन आर्ट लैब है डिजिटल डिजाइन लैब है एवियेशन लैब है ठीक है मतलब सारे चीज सब कुछ आपका ड्रग एनालिसिस लेबोरेटरी है माइक्रोबायोलॉजी लैब है मतलब हर तरीके का आपको यहाँ पर लैब्स मिल जाएगा देखने को ठीक है फ्रूट मैकेनिक्स मशीन शॉप एवरीथिंग ठीक है तो इस टाइप का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड उसके बाद अगर बात कर लें ठीक है तो यहाँ के जो यहाँ का अगर हम बात कर लें प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स का तो यहाँ पर देखो भाई प्लेसमेंट रिकॉर्ड हम लोग देख लेते हैं भाई ए रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑफ थ्री करोड़ एल पी यू ग्रेजुएटेड वर्किंग विथ अ ग्लोबल एमएंसी एट पैकेज ऑफ थ्री करोड़ इन जर्मनी ठीक है यहीं से एक स्टूडेंट का थ्री करोड़ का पैकेज जर्मनी के अंदर लगा है ठीक है एक एमएनसी के अंदर ठीक है अनदर एलपीयू स्टूडेंट बॉर्ड सेलेक्टेड इन गूगल और एक अनदर स्टूडेंट है जो कि गूगल के अंदर सिलेक्टेड हुआ है उसका जो पैकेज है वो आपका 64 लाख ,00 का पैकेज है ठीक है भाई तो एलबी स्टूडेंट्स का मतलब जो ग्यारह बच्चे लगभग है एलबी स्टूडेंट है जो कि जिनका पैकेज 10 से लेकर के 62 लाख ,00 के बीच में आ, उनका पैकेजेज लगा है ठीक है तो ये यहाँ पर देखो टू टू uh, प्लस रिक्रूटर्स हायर्ड इन एलबी हायर्ड uh, एलबीओ स्टूडेंट दो हजार से भी ज्यादा स्टूडेंट एड हुए हैं है एलबीओ से एंड एक हजार प्लस कंपनीज ऑफरिंग जो है वो ऑफर करते हैं पांच लाख या पांच लाख से एवर एव का आपको इतना का पैकेज आपको आ, ये करते हैं ठीक है थ्री फिफ्टी प्लस रिक्रूटर्स ऑफ आई आई टी आई एम एन आई टी ऑल्सो हायर फ्रॉम एल बी ओ ठीक है थ्री फिफ्टी प्लस जो है वो आई आई टी के अंदर आई एम के अंदर एनआईटी के अंदर ठीक है वो एल बी ओ से क्या हुए हैं हायर हुए हैं ठीक है भाई और 1.6 पॉइंट सिक्स लाख का हाइएस्ट इंटर्नशिप ठीक है स्टाइपेंडर पर मंथ 1.6 लाख सोचो कितना बड़ा अमाउंट है जो कि पर मंथ इंटर्नशिप के अंदर प्रोवाइडेड हुआ है एलपीयू के स्टूडेंट को ठीक है तो नो डाउट यहाँ का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है और साथ ही साथ आपका जो भी इंटर्नशिप रिकॉर्ड है ये सारा कुछ ही बहुत ही अच्छा है ठीक है तो आप बेहिचक इस कॉलेज की तरफ भी आप देख सकते हो और जो बच्चे इस कॉलेज के लिए इंटरेस्टेड है उनके लिए भी नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है आई एम uh, के लिए भी स्पेशल दिया गया है एंड एल पी यू के लिए आपका स्पेशल नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है उस गूगल फॉर्म को फिल करें एंड uh, आप इस कॉलेज को ज्वाइन कर सकते आप फिर वेस्ट बंगाल के किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो नीचे गूगल फॉर्म को जरूर फिलअप करो ठीक है और किसी भी टाइप की इंक्वायरी के लिए गूगल फॉर्म को फिल करो किसी टाइप का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो नीचे दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करो टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करो हर एक जगह पर आपको गाइड किया जाएगा बेटर कॉलेज को पाने के लिए। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर पढ़ते रहो मुस्कुराते रहो एंड रहो। बाय एवरीवन।